सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर, ये देखते हैं। तो इसमें जरा देखिए, सबसे पहला मेरे पास जो सर्किट दिया हुआ है वो कुछ इस तरह का, ठीक है, आर एल ई लोड दिया हुआ है और कुछ ये सर्किट है मेरे पास, कुछ इस तरह का दिया होगा, T1 T2 D1 D2, ये कुछ इस तरह का दिया हुआ है और विदाउट फ्री व्हीलिंग डायोड ले रहा हूं, ठीक है, कोई फ्री व्हीलिंग डायोड नहीं है। और मैं मान के चल रहा हूं मेरे पास आर एल ई लोड है और कॉन्स्टेंट करंट है, करंट को मैं कॉन्स्टेंट लेके चल रहा हूं कॉन्टिन्यूस, ठीक है, ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट ले लिया था, ठीक है। आप बताइए क्या कैसी वेवफॉर्म आएगी करंट एंड वोल्टेज की, ध्यान से बनाइएगा। थायरिस्टिक एक्रॉस वोल्टेज बनाइएगा, V1 करंट की वेवफॉर्म बनाइए, सप्लाई करंट की वेवफॉर्म बनाइए IST की, सोर्स करंट तो पता, लोड करंट तो आपको पता ही है क्या है, कॉन्स्टेंट, उसको बनाने की जरूरत नहीं। वी नोट की वेवफॉर्म बनाएगा, वी नोट की तो बनाइए, देखिए करेगा विदाउट फ्री व्हीलिंग डायोड है, चलिए देखते हैं कितना लोगों ने सही किया। अभी सुनो, फायर एंगल क्या है लोगों ने, अल्फा, ठीक है, इधर देखिए ये है मेरा फायरिंग एंगल, ये T1 का एंगल, और T2 का यहां पे, चलिए देखिए। तो सबसे पहले मैंने T1 को फायर किया, ठीक है, अल्फा के बाद जरा देखते हैं यहां से, अगर मैं T1 को फायर करूंगा तो क्या होगा बताओ, कंडक्शन कैसे होगा T1 B1 से, T1 कनेक्ट कहां तक, एटलीस्ट यहां तक, एक मिनट के लिए ऐसे चलते, इसके बाद जरा देखिए क्या होगा, T1 D1 ऐसे कनेक्ट करेगा, उसके बाद क्या हुआ सुनो, उसके बाद वोल्टेज होगी नेगेटिव, इसका मतलब ये पॉइंट हायर वोल्टेज पे आएगा और ये पॉइंट लोअर, बट ये दोनों डायोड कौन से मोड में, कॉमन एनोड, कौन सा कनेक्ट करेगा इनमें से, लोअर वाला D2 कनेक्ट करेगा, T1 ऑफ नहीं होगा, लेकिन अब एकदम से करंट कैसे होगा, फ्री व्हील होगा, समझ रहे हो आप, करंट अब फ्री व्हील होगा, ठीक है, कितने लोगों ने किया, 1 2 3 4 बस है, तो आपने ध्यान ही दिया, ठीक है, ज्यादा जल्दी नहीं करना चाहिए, ठीक है, देखिए भाई तो आउटपुट वोल्टेज जीरो हो जाएगी, फिर तो यहां से लेके यहां तक यहां फिर जीरो हो जाएगा, लेकिन करंट चलता रहेगा, करंट चलता रहेगा, सोर्स करंट जीरो हो जाएगा, लेकिन सोर्स करंट यहां पे जीरो हो जाएगा, ठीक है, सोर्स करंट यहां पे जीरो होगा, करेक्ट है, सोर्स करंट होगा जीरो और इससे आपका फ्लो कर रहेगी, ठीक है। आप सुनो, अब मैं क्या बोलूंगा, जरा देखिए ये मेरी आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है, नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए, अब यहां तक जीरो रहा, यहां तक फ्लो करता रहेगा और वोल्टेज यहां पर पॉजिटिव हो चुकी है, यहां पर नेगेटिव हो चुकी है। अब सुनो क्या हुआ, अचानक से क्या किया, इसको ट्रिगर कर दिया, जैसे ये ट्रिगर होगा ये रिवर्स बायस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव एंड क्या इधर आएगा, ऊपर आ जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा ना ये, ठीक है, तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ये तो पहले ही कंडक्ट कर रहा था, क्योंकि इन दोनों में से कौन सा कंडक्ट करेगा, ये कंडक्ट करेगा ना, तो ये तो पहले ही कंडक्ट कर रहा था, समझ रहे हो, तो इसका मतलब कौन सा कंडक्ट करेगा इस पॉइंट के बाद, यहां से लेके यहां तक एटलीस्ट कौन करेगा बताओ जरा, तो आप लिखो ये है T1 D1, उसके बाद बताओ ये बीच वाला कौन सा आएगा,
T1 D2 उसके बाद बताइए कौन कनेक्ट करेगा, उसके बाद सोर्स करंट नेगेटिव होगा मेरे ख्याल से, सोर्स करंट नेगेटिव हो जाएगा, कौन कनेक्ट करेगा बताओ, T2 D2 ये कनेक्ट करेगा, करेक्ट है, करंट आपका नेगेटिव हो जाएगा। वोल्टेज क्या है बता जरा, वोल्टेज कुछ इस तरह की बनेगी, सही है। अब इस पॉइंट के बाद बताओ यहां तक, यहां तक क्या होगा, फिर से वोल्टेज फिर से पॉजिटिव होगी, ठीक है, इसका तो ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया माइनस। तो T2 को आपने ऑन नहीं किया, T1 को, T1 फोर क्लॉकिंग मोड में आ गया है, ठीक है, कनेक्ट करना चाहिए, बट ये आपने आपने इसको ऑफ नहीं किया, नहीं क्या नाम है, इसको ट्रिगर नहीं किया आपने T1। तो करंट क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो किससे फ्लो होता रहेगा बताओ, इन दोनों में किसमें फ्लो होगा बताओ, D1 में, इसमें D1 में होगा, तो एकदम से D1 कनेक्ट करना शुरू कर दिया, पहले T2 कर रहा था, क्योंकि वोल्टेज यहां पे जैसे ही पॉजिटिव होगी इन दोनों में से ये कनेक्ट करना शुरू करेगा, बिकॉज कॉमन कैथोड है, कॉमन एनोड, सॉरी, ठीक है, तो D1 कनेक्ट करेगा, जिसके ऊपर लोअर वोल्टेज होगी ना वो कनेक्ट करेगा, तो इसका कौन सा कनेक्ट करेगा बताओ, T2 D1 वोल्टेज करंट मेरा सोर्स करंट 0 हो जाएगा, लोड में कंटिन्यूअसली चलता रहेगा करंट, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाएगी, समझ आ गई, ये बनेगा, किसी को ऐतराज है आप पूछ सकते हो। अब सुनो, आप तो कह रहे थे सर मेरी कंटिन्यूअस करंट रहेगा तो आउटपुट एवरेज वोल्टेज 2Vm / पाई को सर रहेगी ऑलवेज, वो तब होगी जब फुल कन्वर्टर हो, ये कैसा है, सेमी कन्वर्टर, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं रहेगा, तो आप बताओ इसकी एवरेज वैल्यू क्या आएगी, बताओ आउटपुट वोल्टेज की एवरेज वैल्यू क्या है, इस तरह का भाई सोर्स करंट बनेगा Vm / पाई, हां जी Vm / पाई 1 + cos α, Vm / पाई 1 + cos α, बहुत बढ़िया, ठीक है, Vm / पाई 1 + cos α, ये इसकी एवरेज वैल्यू है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, बाकी सारी चीजें निकालते हैं, मुझे एक बात और बताइए जरा, अगर मैं इस करंट की सोर्स करंट की फंडामेंटल वेव निकालू तो जरा देखो इसको ऐसी बनेगी, फंडामेंटल बिल्कुल बीच से आएगी, मैंने आपको बताया ना ऐसी वेव जब बीच में ये होता है, तो आप मुझे बताओ फाइव वन क्या आएगा, ये अल्फा है, तो फाइव वन इज इक्वल टू क्या बनेगा, अल्फा बाई टू, फाइव वन इज अल्फा बाई टू, करेक्ट है, फाइव वन इज अल्फा बाई टू, ठीक है भाई, तो आप बताओ फिर क्या बनेगा, फर्दर आगे आगे बढ़ो, बोलो भाई, CDF अल्फा बाई टू है जी, CDF अल्फा बाई टू, हाँ जी, तो ये बन जाएगा cos of alpha by 2 CDF, और अगर मैं पावर फैक्टर पूछूं IS1 कैसे निकालोगे बताओ, इसका फंडामेंटल कॉम्पोनेंट कैसे निकालोगे, सुनो फंडामेंटल कॉम्पोनेंट कैसे निकालेंगे, अब लोड साइड से निकालेंगे फंडामेंटल कॉम्पोनेंट कैसे, जरा देखिए मुझे एक बात बताइए, लोड साइड से कैसे निकालोगे बताओ भाई, लोड साइड से कैसे निकालोगे, लोड में कितनी एक्टिव पावर हुई है टोटल निकाले, जरा देखो लोड में करंट है कॉन्स्टेंट आई नोट, लोड करंट मेरा कॉन्स्टेंट है आई नोट, तो आप मुझे ये बताओ इसके आरएमएस वैल्यू क्या है, आई नोट ही आएगी, ठीक है, आई नोट ही आएगी आरएमएस वैल्यू, करंट कॉन्स्टेंट करंट होता है, डीसी करंट की आरएमएस वैल्यू भी क्या रहती है, सेम रहती है, इसका मतलब आप बताओ इसमें कितनी पावर कंज्यूम होगी, इसमें पावर कंज्यूम होगी आई नोट का स्क्वायर इंटू आर, ये तो इसमें पावर चलेगी प्लस, इसके अंदर किसकी वजह से पावर आएगी, डीसी कॉम्पोनेंट, केवल डीसी कॉम्पोनेंट की वजह से, तो ई इंटू आई नोट, ये एक्टिव पावर आएगी किधर, लोड साइड, ये एक्टिव पावर आएगी लोड साइड, समझ आ, और तो फिर इतनी एक्टिव पावर किधर से आनी चाहिए बताओ, सोर्स से, अब सोर्स की वोल्टेज क्या बताओ, सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज है Vm / √2 साइन ऑफ, ना ये भी Vm / √2, ये आरएमएस वैल्यू होगी, और करंट की आरएमएस वैल्यू क्या है सप्लाई की, कैसे निकालेंगे फंडामेंटल कॉम्पोनेंट डिवाइड बाई Vm / √2 cos of alpha by 2, यह आ जाएगा IS1, बोलिए फंडामेंटल कॉम्पोनेंट आ गया, तो मेरे पास फंडामेंटल कॉम्पोनेंट आ गया, अब सुनो ये IS1 आ गया, पावर फैक्टर कैसे निकाले है बताओ, अब हमने को चाहिए IS, पावर फैक्टर कैसे निकाले बताओ, हमने ये अपने को सोर्स करंट के आरएमएस वैल्यू चाहिए, तो इसके आरएमएस का फार्मूला लगा दो यहां पे, इसका पीरियड कितना बताओ, अल्फा से पाई प्लस अल्फा तक है,
ना पाई प्लस अल्फा तक नहीं यहाँ तक है, उसके बाद फिर से ऐसी मेव आएगी ना, तो कितना हुआ 2 पाई प्लस अल्फा तक, तो पीरियड कितना हुआ, सोर्स करंट का पीरियड कितना हुआ 2 पाई, तो हमारे पास 2 पाई। अब बताओ क्या करें, कहां से कहां तक, अल्फा से लेके पाई तक, क्या करो आई नोट का स्क्वायर कर दो इनटू 2 डी ओमेगा टी, ये कर दिया, फिर कहां से कहां तक पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तक कर दो, तो इसका मतलब एक काम करता हूं मैं, इसका क्या करूं ट्वाइस कर लेता हूं, रूट करता हूं, सही बात है भाई, या फिर अलग से लिखना है तो पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई तक, ठीक है एक ही बात, तो यार बस वाली बात है, बताओ क्या बनाएंगे, ये तो मेरे ख्याल से 2 से 2 कट गया और ये बनेगा आई नोट इनटू रूट के अंदर क्या आएगा पाई माइनस अल्फा अपॉन पाई, ये बनेगा आरएमएस वैल्यू, ठीक है भाई, करंट की आरएमएस वैल्यू आ गई मेरे पास, सोर्स करंट की आईएस आ गया मेरे पास, आईएस 1 यहां से आ गया, ठीक है, तो कोस अल्फा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास इनपुट पावर फैक्टर, इनपुट पावर फैक्टर, डिस्टॉर्शन फैक्टर भी निकाल सकते हो आप, सब कुछ निकाल सकते हो आप मेरे ख्याल से, ठीक है, आर और ई के बिना भी तो निकाल सकते थे आईएस 1, हाँ अगर करंट कंटीन्यूअस है तो वही कांसेप्ट रहेगा, आर एल ई का कोई कांसेप्ट ही नहीं, अगर करंट कंटीन्यूअस है तो पीडीसी निकाल लो, क्या चीज पीडीसी तो सेम ही है पीएसी, वो सेम ही आएगी इस केस में, करंट कांस्टेंट है ना, सेम ही आएगा। अब सुनो भाई एक चीज और देख, करंट क्योंकि कंटीन्यूअस था इसलिए ऐसा हो गया, तो आप बताओ अल्फा मिनिमम कितना पॉसिबल है, करंट कंटीन्यूअस है जीरो, अगर करंट कंटीन्यूअस ना होता तो यहाँ की वोल्टेज रहती ई, तो आप बताओ फिर कहां से शुरू होता है ये, साइन वीएम साइन ओमेगा टी के बराबर करके फिर उससे देखते हैं, आप समझ रहे हो, और इस बार एवरेज वैल्यू 2 वीएम बाय पाई कोस अल्फा नहीं है, सेमी कन्वर्ट रही है, ठीक है करेक्ट है भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ जरा, अगर मैं फ्री व्हीलिंग डायोड लगा दूं तो कोई कोई करे कोई परेशानी आएगी क्या, कोई दिक्कत आएगी बताओ, कैसी वेवफॉर्म रहेगी, क्या जरूरत है फ्री व्हीलिंग लगाने की, कोई जरूरत नहीं है मुझे लगता है, ठीक है फ्री व्हीलिंग डायोड लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या आपको, हाँ जरा देखते हैं सर्किट टाइम पे भी आते हैं, थायरिस्टेट अक्रॉस वोल्टेज बनाओ VT1, एक बार विदाउट फ्री व्हीलिंग डायोड कोई बनाओ देखते हैं क्या चेंज आता है, बताइए T1 के अक्रॉस वोल्टेज बनाइए इस डायग्राम में, VT1 बनाइए सबसे नीचे वाली वेवफॉर्म में, VT1 बताइए सर्किट टर्न ऑन टाइम बोलिए क्या आएगा, जल्दी करें तो VT1 बताइए सर्किट टर्न ऑन टाइम बताइए उससे क्या आएगा, अच्छा आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है सुनो, इस बुक ने क्या लिखा हुआ है सुनो, बिमरा ने क्या लिखा हुआ सुनो भाई, करंट को कंटिन्यूस मान रही है, ठीक है करंट कंटिन्यूस मान रहे हैं और फ्री व्हीलिंग डायोड भी लगा रखा है, चलो एक बार फ्री व्हीलिंग डायोड लगा लेते हैं फिर थोड़ा समझते हैं क्या पता किसने सही लिखा हो, बट इसने गलत लिखा हुआ, ठीक है जरा देखते कैसे, तो पहले बताओ इसके अक्रॉस VT1 थायरिस्टिक अक्रॉस वोल्टेज बताइए क्या बनेगी, जल्दी करें भाई, अल्फा मैक्स कितना होगा भाई इसमें बताओ, 180 अगर करंट कंटिन्यूस है, बोलिए दोस्तों हो गया क्या, क्या आया VT1 बताओ, यहां से आ तक तो T1 कंटेक्ट कर रहा है जीरो, उसके बाद कौन कंटेक्ट कर रहा है बताओ, T1 कंटेक्ट कर दो रहा है यहां तक जीरो, उसके बाद बताइए T2 इसका मतलब ये शॉर्ट है, अगर ये शॉर्ट है तो इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज आएगी, इसके वोल्टेज इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगी सेम एज VS, ये लूप बन गया ना देखो, VS से रिवर्स बायस रहेगा क्योंकि VS वाली नेगेटिव हो रखी है ना, तो रिवर्स बायस रहेगा कहां तक, जब तक T2 कंटेक्ट करता रहेगा तब तक, यहां है जी वहां पे फॉरवर्ड, यहां तक T2 कंटेक्ट कर रहे हैं ना, T2 कंटेक्ट कर रहा है तो इसका इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगी, सेम है सप्लाई वोल्टेज, यही वोल्टेज इसके अक्रॉस आएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट, समझ आएगा आपको मेरा पॉइंट, ठीक है तो इसका ये बनेगा, तो मुझे कहो इसका सर्किट टर्न ऑफ टाइम कितना आया, यहां से लेके यहां तक कितना आया, पाई माइनस टोटल पाई थी ना यहां से आ तक, तो पाई माइनस क्या हो गया अल्फा, पाई माइनस अल्फा बाई ओमेगा, यह आएगा सर्किट टर्न ऑफ टाइम TC, ठीक है इस तरह से का। अब जरा देखते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड लगाते हैं, फ्री व्हीलिंग डायोड लगाते हैं और मेरा कंडक्शन कंटिन्यूअस है, बताओ सबसे पहले तो अल्फा पे बताओ, अल्फा की मिनिमम वैल्यू क्या है, करंट मेरा कंटिन्यूअस है, करंट कंटिन्यूअस है, अल्फा की मिनिमम वैल्यू बताइए क्या है, अगर मैं फ्री व्हीलिंग डायोड लगा दूं देखते हैं क्या फर्क पड़ता है फ्री व्हीलिंग से, आपकी बुक में ये लगा रखा है, आपकी बुक में ये दे रखा है, बिमरा ने ये दिया हुआ है, मैंने बिमरा वाला सर्किट पहले नहीं करवाया, मैंने विदाउट फ्री व्हीलिंग कराया था, जरा देखते क्या कोई फर्क पड़ा क्या,
बताइए दोस्तों, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? अब तो इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से, इतना पढ़ लिया यार बीकॉम को, अब तो सपने में भी आने लगी होंगी, गवाणी तो नहीं आना शुरू किया सपने में, ईमानदारी से बताओ। करो भाई, चलिए देखें क्या, चलो देखिए, देखे भाई देखेगा, अब जरा देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये मैं सप्लाई वोल्टेज थी, ठीक है, अब इससे पहले यहां से शुरू करते हैं, मान लीजिए टी इक्वल टू यहां पे अल्फा पे मैंने फायर किया, इसको फायर कर दिया, ठीक है, पहले कोई करंट नहीं था मान लीजिए, हालांकि करंट तो रहेगा ही कंटिन्यूस है ना, तो मान लीजिए मैंने यहां पे फायर किया अल्फा, तो किसने कंडक्ट करना शुरू किया, टी वन एंड डी वन, और ये शॉर्ट होगा। अब जरा देखिए शॉर्ट होगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या बनेगी, सेम एज सप्लाई वोल्टेज, आउटपुट सेम एज सप्लाई वोल्टेज बनेगी एटलीस्ट यहां तक। अब सुनो इस पॉइंट के बाद इसको मैंने ट्रिगर किया नहीं है और वोल्टेज होगी नेगेटिव, वोल्टेज नेगेटिव होने का क्या मतलब बताओ जरा, ठीक है, मतलब यहां पे प्लस बन गया और यहां पे माइनस बन गया, तो इनमें से कौन सा कंडक्ट करना चाहिए, D2। पर जरा रुको एक बार, ये तो पहले भी कंडक्ट कर ही रहा था, ठीक है भाई, अब जरा देखो जैसे पॉलिटी उल्टी आएगी यहां पे आएगा नेगेटिव और यहां पे क्या आएगा पॉजिटिव, है ना, तो आप कह रहे हो कि ये दोनों कंडक्ट करने चाहिए टी वन एंड डी वन, टी वन नहीं टी वन एंड डी टू ये कंडक्ट करने चाहिए क्योंकि इसके ऊपर प्लस आ गया इसके ऊपर, तो बट एक बात बताओ जरा उससे पहले क्या हो जाएगा, ये फ्री विलिंग डायरेक्ट ना काम करेगा, आप बोलोगे क्यों सर ये भी तो कंडक्ट, इसे देखो दो ड्रॉप आएंगे इसमें क्या है एक ड्रॉप है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे भी फ्री व्हील हो रहा था इससे, अभी भी क्या हो रहा है बताओ, अभी भी फ्री व्हील हो रहा है, तो चलो इसका मतलब ये यहां से शॉर्ट हो जाएगा, आप बोलोगे सर इधर दो दो ड्रॉप आ रहे हैं ना, एक तो इसका ड्रॉप और एक इसका ड्रॉप, ठीक है, जबकि इधर से क्या है एक ही ड्रॉप है, नहीं तो इसका मतलब उसका आसान रास्ता ये मिलेगा, अभी फ्री व्हील होगा इससे, पहले इधर से फ्री व्हील हो रहा था, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि इस पॉइंट के बाद इधर से ना होगे क्योंकि इसमें दो स्विच आ रहे हैं, अब ये फ्री व्हील होगा, तो चलो मैंने बोल दिया कि टीम ये क्या होगा बताओ जरा किससे होगा, फ्री व्हीलिंग डायोड से, फ्री व्हीलिंग डायोड से कनेक्ट करेगा, तो आगे क्या रहेगा आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगी, जीरो, जरा देखो जीरो है, और जो करंट है सप्लाई से वो भी क्या रहेगा जीरो, करंट भी सप्लाई से क्या रहेगा जीरो, करेक्ट है भाई। अब सुनो थायरिस्टिक अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगी जरा देखें, क्योंकि उससे अपने को सर्किट टर्न ऑफ टाइम पता चल जाएगा ना, थायरिस्टिक अक्रॉस वोल्टेज बताएगी क्या है, देखें अब ये शॉर्ट हो रखा है, ठीक है, और तो आप बताओ क्या बनेगा, यहां पे प्लस है यहां पे माइनस है, अगर मैं नीचे को जीरो मान लूं तो ऊपर भी क्या बनेगा जीरो, जीरो, इसका मतलब थायरिस्टिक के अक्रॉस वोल्टेज कैसी रहेगी बताओ, टी वन के अक्रॉस नेगेटिव वोल्टेज नहीं रहेगी, थायरिस्टिक के अक्रॉस नेगेटिव वोल्टेज रहेगी, इसका मतलब हमने पहले क्या दिखा रखी थी जीरो, लेकिन आप तो क्या कैसी रहेगी नेगेटिव रहेगी, इसका मतलब थायरिस्टिक के अक्रॉस कैसी वोल्टेज रहेगी, देखो ना यहां पे जीरो है, यहां पे जीरो मान लिया, ये कंडक्ट नहीं कर रहा तो यहां पे क्या मान लूंगा, एक मिनट के लिए जीरो मान लेता हूं, ये कंडक्ट नहीं कर रहा है तो इसलिए मैं यहां पे जीरो मान लेता हूं, एक मिनट के लिए ऐसे मान लेता हूं, तो फिर यहां की वोल्टेज नेगेटिव बन जाएगी, क्या कहते हैं, तो इसके ये क्या बनेगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है, ये थायरिस्टिक आपका रिवर्स बायस होगा, तो इसका मतलब आप इस थायरिस्टिक को क्या मिलेगा, सर्किट टर्न ऑफ टाइम थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, ठीक है, VT1, वैसे VT1 इसने जीरो दिखाया है, फ्री व्हीलिंग डायोड में ये जीरो दिखा रहा है, इसके अंदर जीरो वोल्टेज होगी, ठीक है, जीरो कहां होगी बताओ, है जी D2, एक मिनट D2 कौन कहा है, D2 कौन था, वोल्टेज करंट फ्लो करेगा, नहीं सर वो अगर वोल्टेज नेगेटिव है तो ठीक है, ऑन ये फॉरवर्ड बायस है, ये कह सकते हो आप कि ये फॉरवर्ड बायस है, पर इसमें करंट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा करंट बताओ, सर वोल्टेज तो वो आएगी ना वहां पे, चाहे करंट ना आ रहा, नीचे से भी तो जीरो आ गया, मैं ये भी कह सकता हूँ, देखो मैं भी मुझे जीरो ही बोलना चाहिए वैसे आइडियली, क्यों सुनो मेरी बात, एक और तरीके से मैं कह देता हूँ, करंट के बाद दो रास्ते हैं मेरे हिसाब से, अगर मैं इनको आइडियल स्विच लेके चलूँ ना तो बता दो, अगर आइडियल स्विच ले तो इसका ड्रॉप और इसका ड्रॉप क्या आएगा, तो ये भी शॉर्ट रहेगा और ये भी शॉर्ट रहेगा, इसका मतलब करंट के दो रास्ते मिले, इसलिए आप कह सकते हो कि ये क्या रहेगा जीरो रहेगा, चलो इसको जीरो मान लेता हूं, तो क्या कुछ फर्क आएगा, क्या कोई फर्क आया,
कहाँ फर्क आया? अगर आप फ्री रिंग ना लगाते तो क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी, सेम सब कुछ, सब कुछ सेम, ठीक है, करेक्ट है अभी। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, जरा इसमें करंट मेरा कंटिन्यूस है, आप बताओ मिनिमम अल्फा कितना हो सकता है? मिनिमम अल्फा कितना हो सकता है बताओ? है जी जीरो, जीरो होगा, ठीक है। लेकिन आपकी बुक में क्या लिखा है? एट ओमेगा टी इक्वल टू जीरो थायरिस्टर टी वन इज फोर्ड बायस्ड, टी इक्वल टू जीरो पे थायरिस्टर फोर्ड बायस्ड हो जाएगा टी वन, बिल्कुल सही है। अब सुनो क्या कर रही है, फोर्ड बायस्ड ओनली व्हेन द सोर्स वोल्टेज वी एम साइन ओमेगा टी एक्सीड ई। ये कह रहा है कि ये फोर्ड बायस केवल तब होगा जब यहां की वोल्टेज ई से बड़ी हो जाए। ये गलत है, समझ आया? क्यों गलत है? कंटीन्यूअस कंडक्शन है, समझ लो मेरा पॉइंट, इसलिए ऐसा केस नहीं बनेगा। तो ध्यान रखिए भाई, ये इसने मिस्टेक कर दी है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें अल्फा की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? जीरो। अच्छा एक बात बताओ, मैक्सिमम कितनी हो सकती है बताओ? मैक्सिमम कितनी हो सकती है बताओ? 180। तो सुनो, मैं अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, जरा देखना ध्यान से, अल्फा के साथ एवरेज वोल्टेज का ग्राफ बनाऊं, तो अल्फा की वैल्यू अगर जीरो होती नहीं, अगर अल्फा की वैल्यू जीरो होती तो एवरेज वोल्टेज क्या बनती इसमें बताओ जरा, क्या बनती? 2 Vm by pi। अच्छा एक और चीज, दो चीजों का बना रहा हूं मैं, एक तो सेमी कन्वर्टर का और एक फुल कन्वर्टर का, RLE लोड के साथ कंटीन्यूअस कंडक्शन, ठीक है भाई। तो कंटीन्यूअस कंडक्शन में क्या होता बताओ, और RLE लोड होता है, फुल कन्वर्टर होता है, क्या होती एवरेज वैल्यू? 2 Vm by pi, cos अल्फा होती, सही बात है, करेक्ट है। तो उसमें भी अल्फा इक्वल टू जीरो होता तभी 2 Vm by pi आता, इसमें भी 2 Vm by pi आता, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं, क्या इसकी एवरेज वोल्टेज कभी नेगेटिव होगी इस वाले सेमी कन्वर्टर? कभी नहीं होगी। हाँ जीरो हो सकती है, कब? जब अल्फा की वैल्यू क्या होगी? पाई। तो अल्फा इक्वल टू पाई पे क्या बनेगा? ये जीरो बन जाएगा, ये सेमी कन्वर्टर का। लेकिन अगर मान लीजिए फुल कन्वर्टर होता तो, और RLE लोड होता, कंटीन्यूअस कंडक्शन, तो क्या होता होगा? पाई बाय टू पे क्या हो जाता? जीरो। और पाई पे क्या हो जाता बताओ? है जी, पाई बाय टू से पाई तक क्या होता है? नेगेटिव होता है। और कहां तक जाता है? माइनस 2 Vm by pi, माइनस 2 Vm by pi। आप समझ रहे हो? तो दोनों में फर्क देखिए भाई, ये सही कन्वर्टर है और ये क्या है? फुल कन्वर्टर। अच्छा एक देखते हैं इसने क्या मिस्टेक किया। एक तरफ तो ये कह रहा है कि ई की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू किससे छोटी नहीं हो सकती आपकी बुक में, ई अपॉन वो, मतलब ई अपॉन Vm, और एक तरफ ये ग्राफ भी बना दिया इसने। तो इस ग्राफ में क्या है फिर? इस ग्राफ में अल्फा को क्या दिखा रही है? जीरो दिखा रहा है। ये क्या है फिर? समझ गए आप मेरा पॉइंट? इसने देखो खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया इसको, ठीक है। आप इसमें इसको लिख लीजिए अभी कि सेमी कन्वर्टर और फुल कन्वर्टर में क्या फर्क है। इसमें कभी भी वोल्टेज नेगेटिव नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी नेगेटिव? नेगेटिव बनेगी, नेगेटिव हो ही नहीं सकती क्योंकि ये फ्री व्हील हो जाएगा। समझ आप मेरा पॉइंट? तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें कभी भी वोल्टेज नेगेटिव नहीं होगी। ये एवरेज वोल्टेज वर्सेस अल्फा, वी नॉट एवरेज वर्सेस अल्फा, ये उसका ग्राफ होगा, ठीक है। क्योंकि ये सेमी कन्वर्टर का है और ये क्या है? फुल कन्वर्टर का है, ठीक है। सेमी कन्वर्टर कभी नेगेटिव नहीं होगा, जीरो हो सकती है पाई पे, अल्फा के मैक्सिमम वाली पाई होगी, बस ये ध्यान रखिए भाई, ठीक है। और इसकी क्या बनेगी? और यहां तक बनाओ इसको, यहां तक मैंने ये नीचे छोड़ दिया क्योंकि नीचे लाइन आ गई ना, सेंटर फॉर इंजीनियरिंग स्टडीज, ठीक है। चलिए रब कर देता हूं, रब कर दो भाई इसको, रब कर दो। चलिए देखिएगा अगला केस, ये केस वन था, केस टू। अच्छा अगर कोई इसमें सोर्स इंडक्टेंस लगा दे तो, सोर्स इंडक्टेंस लगा दे तो, करंट एकदम से बदलना था ना सोर्स का करंट, वो थोड़ा लेट हो जाएगा, तो कितना फर्क आएगा? 2 ωLS/π आएगा कि? अब आपको सोचना पड़ेगा, ओमेगा से जी, हाँ जीरो से हो रहा था, लेकिन दो दो जगह हो रहे, एक बार फिर और एक बार यहाँ पे, तो कहाँ कहाँ आएगा ना सर उसका? दो दो जगह, दो जगह। तो आप ये होमवर्क आपका, ठीक है ना, ये आप करके देखना, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, LS लगा देना, पिछले क्वेश्चन में LS लगा के करना, ठीक है ना, और उसकी पूरी थ्योरी बनाना भाई, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा फॉर्मूला, ठीक है ना, तो पूरी थ्योरी बनानी है कि LS लग गया तो कौन सा कैसे कंडक्ट करेगा। फॉर्मूला मत रखना मारो, वैसे भी आपको दो
मिनट ही लगेंगे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, और दो मिनट लगना भी चाहिए एक क्वेश्चन में, दो नंबर का है। जरा देखिए प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। लेकिन देखिए अभी एक और है, अभी केस नंबर टू। कॉन्स्टेंट करंट मान लो फिर से अगेन आ रही, कौन देखो लोड बदल दिया मैंने सर क्या T1 T2 D1 D2 हाँ जी बोलिए भाई T1 T2 ये कर दिया भाई, आर एली लोड है मेरा, बताइए वेवफॉर्म बनाइए करंट की, सोर्स करंट की, करंट लोड करंट कांस्टेंट है भाई, I नॉट हाईएस्ट क्या क्रॉस वोल्टेज की VT1 V0 की वेवफॉर्म, I नॉट की वेवफॉर्म, तीन वेवफॉर्म बनाई गई, बताइए क्या आएगा। देखिए दोस्तों मान लीजिए मैंने T1 को यहां पे फायर किया है, अंकल जी सो गए क्या? बना रहे अच्छा अभी तक सुबह हो जाएगी, देखना नहीं बनेगा। देखिए भाई पहले मैंने इसको ऑन किया, पहले सप्लाई वोल्टेज पॉजिटिव थी तो मैंने इसको ऑन किया, तो कौन सा कनेक्ट करेगा T1 एंड D2 एटलीस्ट यहां तक, तो उसके बाद क्या होगा बताओ? उसके बाद यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहां पे नेगेटिव हो जाएगा, D2 ठीक है, D2 ऑफ है जी, D1 से कनेक्ट नहीं करेगा, किससे कनेक्ट करेगा? D1 कनेक्ट करने नहीं देगा, क्योंकि आप जगह ना इन दोनों में से, इन दोनों में से ये कॉमन ये है ना कैथोड है, तो ये कनेक्ट करना चाहिए, इन दोनों में से ये कनेक्ट करना चाहिए, ये कनेक्ट करेगा ठीक है, तो इसका मतलब D1 D2 से ये हो जाएगा क्या फ्री भी, तो यहाँ पे D1 D2 बनेगा, कौन सा D2 को रिवर्स वाइज होने कौन देगा जीरो बन गई यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज, इसका मतलब अगर मैं ये कंडक्ट कर रहा था, सुनो मेरी बात, यहाँ पे ये कंडक्ट करवा रहा था तो यहाँ की वोल्टेज सेम है सप्लाई वोल्टेज थी, अब सप्लाई वोल्टेज हो गई जीरो, अब सप्लाई वोल्टेज नेगेटिव होने की टेंडेंसी निकाल ली ठीक है, तो जैसे ही सप्लाई वोल्टेज नेगेटिव होगी करंट जीरो नहीं है, करंट क्या मेरा कंटिन्यूअस, करंट मेरा कांस्टेंट है, लोड करंट अब इधर से ही आएगा, अब जरा देखिए ये ऑन हुआ नहीं है, करंट मेरा कंटिन्यूअस है, क्या रास्ता है, ये मेरा ऑन हुआ नहीं है, करंट मेरा कंटिन्यूअस है, एक ही रास्ता है, क्या चीज D2, तो D2 तो कनेक्ट करता ही रहेगा ऑलवेज। अब बात करते हैं T1 और D1 की, T1 और D1 दोनों कौन से मोड में बताओ, कॉमन कैथोड और इसमें हाई आ गई वोल्टेज, तो क्या कनेक्ट करेगा D1 T1 में अपने आप करंट जीरो हो जाएगा ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा वोल्टेज क्या हो जाएगी जीरो, वोल्टेज जीरो और करंट क्या हो जाएगा, करंट सप्लाई करंट क्या हो जाएगा जीरो, लोड करंट फ्लो होता रहेगा, फ्री व्हील होगा एक तरह से ठीक है, कुछ इस तरह का रहेगा, तो आप बताइए फिर क्या फर्क आया आपको,
और क्या है चलो बीटी वन को भी देख लेते हैं करंट फिर यहां से फिर से कैसा आएगा नेगेटिव नीचे आएगा करंट यहां तक ना फिर से जीरो और आउटपुट वोल्टेज मेरे ख्याल से ऐसे वीटी वन बनाइए वीटी वन बोलिए सबसे पहले यहां से आते तो टी वन कनेक्ट कर ही रहा है यहां से आते टी वन कनेक्ट कर रहा था उसके बाद बताओ क्या होगा इसके बाद देखते हैं तो यहां से आते तो कनेक्ट करेगा क्या रहेगा जीरो उसके बाद जरा देखिए उसके बाद ये दोनों कनेक्ट कर रहे हैं ना ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या आएगा बता जरा और इसमें कोई करंट नहीं आएगा तो आप बताओ जो सप्लाई वोल्टेज है सारी सारी किसके अक्रॉस आएगी इसका टी वन यहीं पे क्या हो जाएगा रिवर्स बायस देखो ना सप्लाई वोल्टेज ये पॉइंट ऊपर आ जाएगा ये पॉइंट इधर इसका क्या हो जाएगा टी वन रिवर्स बायस बहुत बढ़िया और कहां तक रिवर्स बायस जाएगा यहां तक ठीक है अच्छा इसके बाद कौन कनेक्ट करेगा इसके बाद इसका टी टू डी वन टी टू डी वन कनेक्ट करेगा ना इसके बाद सो फायर करोगे तो ठीक है टी टू डी वन कोई दिक्कत तो नहीं भाई चलिए टी टू डी वन अच्छा तो फिर यहां तक रिवर्स बायस रहेगा अब बताओ यहां तक क्या होगा फिर इसके बाद कौन कनेक्ट करेगा फिर से फिर से डी वन डी टू तो आउटपुट वोल्टेज टी वन के अक्रॉस यहां पे ये रहे इसका आप बताओ सर्किट टर्न ऑफ टाइम इसका क्या रहेगा बताओ पाई बाय ओमेगा ठीक है पाई बाय ओमेगा रहेगा देखिए भाई थोड़ा सा पाई बाय ओमेगा रहेगा तो बाकी सब कुछ वही है मेरे ख्याल से इनपुट पावर फैक्टर भी क्या आएगा सेम ठीक है अगर डिस्कंटीन्यूअस करंट होता तो बताओ क्या होता वो आप कर लेना भाई डिस्कंटीन्यूअस करंट के लिए आप खुद करना मैं रख कर रहा हूं ठीक है नेक्स्ट जरा देखिएगा एक क्वेश्चन आप कीजिएगा लिखे भाई एक डायग्राम दे रखा आपको डिग्री के लिए आई नॉट एवरेज बताना है एवरेज लोड करंट बताना है आई नॉट इक्वल अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ एवरेज करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड इफ लार्ज इंडक्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड इफ लार्ज इंडक्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ बी पार्ट लिखिए इफ अ लार्ज इंडक्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ एवरेज करंट What is the new value of average current? ये आपको बताना है If a large inductor is connected in series with the load, neglect the device drop. ये दो क्वेश्चन करने हैं जल्दी करें बढ़िया क्वेश्चन है दोनों के दोनों गलती नहीं करनी है रोनित ठीक है करो देखो सप्लाई वोल्टेज बनाओ रोनित आदित्य का नंबर लगेगा आदित्य पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होने वाली है
थ्री फेज रेक्टिफायर के बाद आदित्य का नंबर लगा, ठीक है? जब ये चैप्टर पूरा फिर आदित्य तुम्हारा नंबर है, ठीक है? बुरा मत मानो, नहीं बुरा मत मानो, ठीक है? मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है? अभी तुम्हारा नंबर लगेगा। चलिए पढ़ते हो नहीं तुम लोग, देखिए मुझे था ये सच में करंट पहले आर था, देखेगा अभी क्वेश्चन देखिए, पहले आर ही लोड था, ठीक है? तो अब मुझे बताओ फायरिंग एंगल मिनिमम क्या होना चाहिए था, पहले बताएंगे, क्योंकि डिस्कंटिन्यू आएगा आर ही लोड में, ठीक है? 0.312 कितना आएगा? 230 रूट 2 साइन ऑफ ओमेगा टी, एक बार चेक तो कर लो, इक्वल टू 100, तो साइन ऑफ ओमेगा टी क्या आएगा? 10/23 रूट 2, बताओ ओमेगा टी कितना आया? 17.90, उससे तो बड़ा ही अल्फा है, ठीक है? इसका तो ये कनेक्ट करेगा, लेकिन सुनो क्योंकि रेजिस्टिव लोड है तो कहां तक कनेक्ट करेगा? जब तक करंट मेरा जीरो ना हो जाए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए बस करंट, ठीक है? तो इधर देखो अल्फा की वैल्यू कहां पे है? 60 पे, यहां पे कनेक्ट करना शुरू करेगा 60 डिग्री, पाई बाई 3 यहां से कनेक्ट करना शुरू करेगा, ठीक है भाई? अच्छा यहां पे बताओ क्या होगा, सुनिए मेरी बात, यहां पे आर के अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगी? देखो आर के अक्रॉस क्या हो जाएगा, एक तरफ तो 100 है और एक तरफ क्या है? सप्लाई वोल्टेज है। आर के अक्रॉस वोल्टेज निकालते ना, देखो देखते जीरो कहां पे होगा, तो मैंने बोला यहां से कनेक्ट करना शुरू करेगा करंट, यहां पे थायरिस्टर ऑन हो जाएगा, कौन सा? T1, और ये यहां पे कनेक्ट करना शुरू करेगा। तो जब कनेक्ट करना शुरू करेगा तो केवीएल अगर लगाओगे तो रेजिस्टर के अक्रॉस क्या वोल्टेज आएगी? रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज आएगी 230 रूट 2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 100 अपॉन 10, तो ये बनेगा 23 रूट 2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 10। अब मुझे ये बताओ कहां पे जीरो गए, कौन से इंस्टेंट में जीरो होगा? मुझे लगता है इस इंस्टेंट में जीरो होगा, यहां पे जीरो होगा, ठीक है? करंट यहां पे जीरो हो जाएगा, करेक्ट है? नेगेटिव होगा नहीं करंट, ठीक है भाई? अब चलिए आगे नेक्स्ट, अब कहां पे कनेक्ट करेगा? अगेन अगेन यहां पे कनेक्ट करेगा, क्योंकि करंट जीरो हो चुका है, अब नेगेटिव करंट होगा नहीं, इधर की वोल्टेज और वोल्टेज बनाओ ना साथ साथ, वोल्टेज बनाइए, वोल्टेज बनाते जरा देखिए भी, यहां से यहां तक कनेक्ट कर रहा है तो बताओ आउटपुट वोल्टेज क्या है? सेम है सप्लाई वोल्टेज, बोलो भाई सेम है सप्लाई वोल्टेज, ठीक है भाई? यहां पे आएगी ये पीक वाली कितनी है इसकी, ये है मेरी ई कितना है 100, और 60 डिग्री पे क्या होगी बताओ? साइन 60 क्या होता है? रूट 3/2, तो देख लो कितना बनेगा, यहां पे देखो ना रूट 3/2, ये वाली निकाल लेना कितनी है, कहां शुरू आई है 230 रूट 2 इसकी पीक वाली। अब सुनो इसके बाद क्या होगा, अगला कहां पे कनेक्ट करने शुरू करेगा बताओ जरा, अगले केस में सुनो भाई, यहां पे कनेक्ट करेगा, मैंने थोड़ा गलत बना दिया, कहां पे? यहां पे, अगले हाफ में देखो यहां पे कनेक्ट करना शुरू करेगा भाई, बोलिए, क्योंकि यहां पे उसका अगले का थायरिस्टर को मिल गया ना, उसके बीच में आप बोलोगे सर डायवर्ट से नहीं होगा, नहीं होगा भाई, क्यों? क्योंकि करंट कंटिन्यूस नहीं है, फ्री व्हील कैसे करेगा? फ्री व्हील तो तब करना चाहिए जब ये ऑफ हो जाए, और अब समझ रहे हो डायवर्ट नहीं कनेक्ट करेंगे, अब अगला यहां पे कनेक्ट करना शुरू करेगा, कहां तक कनेक्ट करेगा? देख लो ना ई नीचे भी लगा लो, यहां तक कनेक्ट करेगा, ठीक है? तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी? फिर से अगेन वैसी बनेगी, यहां तक ई रहेगी वोल्टेज, और उसके बाद कैसी रहेगी बताओ? इस तरह का बनेगा, इस तरह की वोल्टेज की वेवफॉर्म बनेगी, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? कुछ इस तरह का है, करंट कुछ पॉजिटिव से नहीं होता, नहीं करंट आर है ना, आर जीरो से स्टार्ट होती जिस जैसे इसके अक्रॉस, क्योंकि पॉजिटिव से कैसे शुरू होगा बताओ? एक मिनट भाई, ओहो मैंने गलत कर दिया भाई, सही कह रहे हो, करंट की वेवफॉर्म गलत कर दी, क्यों गलत कर दी बताओ? गलत कर दी करंट की वेवफॉर्म कैसे बताओ जी? रजिस्टर लोड है तो अल्फा इक्वल टू पाई बाय 6 पे देखो क्या, पाई बाय 6 पे इसकी वैल्यू क्या बताओ जरा, करंट की वेवफॉर्म कैसी बनेगी? जैसा रेजिस्टर जैसे इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा ना, देखो इस तरह की बनेगी करंट की वेवफॉर्म, मैं आपको बता दूं इस तरह की बनेगी,
ये मैंने नहीं भी करंट की देखो, मैंने थोड़ा गलत बना दिया जीरो से, क्यों गलत बना दिया बताओ भाई, ये देखो मैंने जरा देखो रजिस्टर के क्रॉस कैसे वोल्टेज आएगी, रजिस्टर के क्रॉस ये वोल्टेज आएगी भाई, ये वाली वोल्टेज आएगी ना, ये रजिस्टर के क्रॉस ये वोल्टेज आएगी डिवाइड बाय टाइम करो एक करंट आएगा। अब सुनो ये करंट कहां से कहां तक है, 5 बाय 6 से शुरू है, तो 5 बाय 6 में बताओ कितना करंट है, पुट कर दो ना इसकी वैल्यू 5 बाय 6 ओमेगा टी की वैल्यू, 5 बाय 6 पुट करोगे तो सॉरी 5 बाय 3, 5 बाय 3 पुट करोगे क्या बनेगा, ये 23 रूट 2 इनटू बताओ क्या बनेगा साइन, साइन साइन कितना 60, साइन 60 कितना होता है रूट 3 बाय 2 माइनस 10, बताओ कितना करंट शुरू हो भाई, करंट की वैल्यू बोलो भाई क्या है, है जी बोलो यार कितना आई 18.16, और अब ये पीक वाली बोलो क्या आएगी, वैसे इसकी जरूरत है नहीं अपने को, हम सीधा एवरेज निकाल सकते हैं, कैसे निकाले बताओ जरा, बताओ कहां से कहां तक कंडक्ट कर रहे हैं, पाई बाय 3 से लेके कहां तक कंडक्ट किया, पाई बाय 3 से, ये पॉइंट कितना है बताओ जरा, ये पॉइंट कितना आएगा पाई माइनस कितना कितना आएगा, ये अंदर 17.9, तो रेडियन में बता दो कितना आया, कितना रेडियन आया पाई माइनस 17.9 इनटू पाई बाय 180, बताओ कितना रेडियन आया 0.312 रेडियन, क्या पॉइंट नहीं नहीं 2.829 रेडियन सही है भाई, ये बनेगा सुनो भाई मेरी बात, तो एक काम करते हैं एवरेज वाली निकालते हैं, अगला कहां पे ये पॉइंट बताओ, ये पॉइंट कहां पे पाई प्लस अल्फा, ये अल्फा था ना यहां पे अल्फा से स्टार्ट हुआ था, फिर अगला कहां पे करंट आएगा पाई प्लस अल्फा, तो इसका मतलब पीरियड क्या आएगा करंट का पाई, तो 1/पाई एरिया निकालो करंट की, करंट का कहां से कहां तक पाई बाय 3 से लेके कहां तक बताओ 2.829 रेडियन में लिखा हुआ ना, पाई बाय 3 से लेके 2.829 रेडियन तक, और इक्वेशन क्या बताओ, इक्वेशन ये है ना करंट की कितनी है 23 रूट 2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 10 माइनस 10 इनटू डी ओमेगा टी, बोलिए तो करंट की एवरेज वाली आ जाएगी इससे, बताओ क्या आया इसका आंसर 13.2 9.34 एम्पीयर, तुमको तो मैं चीटिंग करवा रहा हूं ना, और बोले कि लो देख लो भाई प्रसाद ले लो, तब तुम ले भी नहीं सकते इतने गरीब आदमी हो, ठीक है हाँ जी क्या आंसर आया बताओ इसका निकालोगे, लेकिन ये रेडियन में इसमें वैल्यू पुट करते हैं, क्या करना है डिग्री में वैल्यू पुट करनी है, आपको समझ आया करंट की वेवफॉर्म कैसी बनेगी, क्यों ऐसी वेवफॉर्म आई बताओ, क्योंकि रजिस्टर है भाई, रजिस्टर में क्या होगा जैसी वोल्टेज होगी रजिस्टर के ऊपर वैसा ही करंट आएगा, ठीक है डिवाइड बाय आर कर दो बस, आप कुछ लोगों ने ये क्या होगा सुनो, कुछ लोगों ने क्या होगा कि वोल्टेज की एवरेज वैल्यू निकाल ली होगी डिवाइड बाय क्या कर दिया आर, क्यों भाई, या फिर उसमें से माइनस ई कर दिया होगा, ठीक है तब तो ठीक आनी चाहिए वैसे, नहीं हाँ वो भी पंगा पड़ेगा, क्योंकि ई अगर पूरे में से माइनस करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है वैसे दिक्कत आनी नहीं चाहिए भाई, एवरेज वैल्यू वैसे भी पाई पीरियड है इसका, नहीं नहीं आप देखो ना कंडक्शन इतना ही बनना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं देखो याद ये पीरियड है, ये पीरियड है ना पाई बाय 3 से लेके कहां तक है मतलब अल्फा से लेके कहां तक है पाई प्लस अल्फा, ये ही है तो इसका एरिया क्या आएगा बताओ, टोटल एवरेज वोल्टेज निकालो उसमें से ई माइनस कर दो और फिर डिवाइड बाय आर कर दो तब भी सेम आंसर आएगा, ठीक है उससे कोई गड़बड़ नहीं आएगी, बट आप ऐसे काम करो मत ना, करंट की वेवफॉर्म बना लो सीधा सीधा और उससे सोच लो, आप समझ रहे हो, तो करंट की वेवफॉर्म देखो यहां से जहां से कंडक्ट करना शुरू करेगा वहां से शुरू होगा करंट, और क्योंकि रेजिस्टर है तो जीरो से नहीं शुरू होगा, जितनी वोल्टेज उसके अक्रॉस होगी डिवाइड बाय आर कर दो उस टाइम पे, ठीक है तो एकदम से इस वाली से शुरू होगा जितना ही वोल्टेज है रेजिस्टर के अक्रॉस उसके अकॉर्डिंग करंट आएगा और वहां से फिर यहां पे जीरो आएगा, लेकिन अब करंट नेगेटिव नहीं हो सकता
और रजिस्टर पर पकड़ के भी नहीं रखता करंट को कि भाई जीरो नहीं होने देगा, जैसे इंडक्टर में होता ना एकदम से, तो भी यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बता रहा, अगर हाई इंडक्टेंस लगा दिया इसका मतलब करंट को क्या मान के चला दिए, कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब बताओ अब ये क्या कहना चाह रहा है, बताओ कॉन्स्टेंट भी, हाँ जी। अब ये कह रहा है हाई इंडक्टेंस, इसका मतलब करंट को क्या मान लो, कंटीन्यूअस एंड कांस्टेंट। अब बताओ कहां पे होगा, अब तो ई का कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है, yes। तो अब थोड़ा देखिए क्या बनेगा, अब वोल्टेज के एवरेज वैल्यू निकालो, वोल्टेज की वेवफॉर्म आप पहले कैसे आएगी, क्योंकि करंट कंटीन्यूअस है तो 2Vm/π ना, क्योंकि ये सेमी कन्वर्टर है। अब ये नहीं बनेगी, वोल्टेज की वेवफॉर्म बनेगी कैसे, बनेगी कांस्टेंट। देखो याद रखो क्या रहेगा, यहां पर कौन कंडक्ट करेगा, जब यहां पे अल्फा दोगे तो T1 है, ये T1 है, ये D1 है, ये D2 है एंड D2 है, बोलिए भी क्या कौन कंडक्ट करेगा, T1 एंड D2, तो T1 D2 कंडक्ट करेंगे, तो वोल्टेज जो ये है वैसी आ जाएगी, ठीक है भाई, जो ये वाली वोल्टेज थी यूं की वाली। अब सुनो उसके बाद, इस पॉइंट के बाद करंट तो कंटिन्यूस है, करंट तो इसमें फ्लो कर रहा है, कौन कंडक्ट करेगा, D1 D2 फ्री व्हील हो जाएगा, फ्री व्हील हो जाएगा, तो यहां से एक शॉर्ट और उसके बाद फिर से वही वेव, अब दूसरा कंडक्ट करेगा, आप समझ गए ना मेरा पॉइंट, तो इसका देसी का एवरेज वैल्यू आएगा क्या आएगा बता दूंगा, Vm/π 1+cos α, ये एवरेज वैल्यू है। अब सुनिएगा ध्यान से, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट आएगा वैल्यू, अब बताओ इसकी वैल्यू बताओ, क्या है Vm/π cos 1+cos α, बताओ क्या है, Vm की वैल्यू कितनी है, 230√2/π 1+cos 60 is 1/2, तो देख लो कितना बड़ा, हाँ जी 155.30 वोल्ट। अब सुनिएगा मुझे बात बताओ, जरा मुझे आउटपुट की एवरेज वोल्टेज पता चली, मुझे जरा करंट क्या है एवरेज करंट, तो सुनो मैं जानता हूं क्योंकि करंट कंटीन्यूअस है इसमें, इंडक्टर के अक्रॉस एवरेज वोल्टेज क्या है, जीरो, क्योंकि पीरियडिक करंट आया, या फिर कॉन्स्टेंट करंट मान लो, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, जीरो। तो इसका मतलब अगर मैं एवरेज वोल्टेज का फॉर्मूला लगाऊं तो जरा देखो क्या बनेगा, V0 एवरेज इज इक्वल टू I0 × R +100, समझ आया, मैं जो इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा जो ये वोल्टेज आएगी दोनों को मिला दूंगा तो वो एवरेज वोल्टेज के बराबर आना चाहिए, क्योंकि करंट तो वैसे कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट करंट है, इसके अक्रॉस वोल्टेज जीरो आ जाएगी, तो दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज मस्ट बी इक्वल एवरेज वोल्टेज, ठीक है भाई, तो कर दो, तो बताओ I0 क्या है इसे, 5.53 इज करेक्ट, 5.53 इज करेक्ट, सही है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं रख कर दूं, हां जी आसान क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था भी, एक और क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन लिखिए, मैं रख कर रहा हूं, मैं रख कर रहा हूं, देखिए आपको एक डायग्राम दे रखा है सर्किट, this is 6 ohm and this is 1.8 ampere, ये दे रखा है, average value of load current is 1.8 ampere, Pickering angle is maintained at 110 degree, मतलब alpha की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 110 degree, ठीक है भाई, the current becomes zero at 50 degree beyond the zero crossing of the voltage, the current becomes zero, it is given that the current becomes zero
beyond the zero crossing of the voltage, 50 degree beyond the zero crossing of the voltage, the current becomes zero at 50 degree beyond the zero crossing. Beyond the zero crossing. मतलब कुछ ना कुछ क्या लगा हुआ है इसके अंदर? कुछ ना कुछ इंडक्टर भी लगा हुआ है छोटा मोटा. नहीं, ये दे रखा है. क्वेश्चन सुनो. Average value of IL is 1.8 ampere. The triggering angle is maintained at 110 degree. Current becomes zero at 50 degree beyond the zero crossing of voltage is zero crossing आएगी उससे 50 degree आगे जाके current क्या होगा zero होगा. ये देख कर आपको बताना है average voltage waveform, average value of voltage ये बताना है आपको. एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज आपको ये बताना है क्या होगा, ठीक है. एंड ई की वैल्यू भी बतानी है, आपको ई की वैल्यू बतानी है. एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड ई की वैल्यू बतानी है. करें जरा ई की वैल्यू बतानी है, ई की वैल्यू बतानी है और एवरेज वोल्टेज बतानी क्या है, याद से करें. वीएम की वैल्यू लेकर चलो भाई, वीएम इज 230√2 ये लेके चलो. सप्लाई वोल्टेज इज 230√2. तो जरा देखिए मैं वेव फॉर्म बना रहा हूं, सुनिए. और ये सप्लाई वोल्टेज दे रखी है, तो देखिएगा और ये मेरा वी है. अब सुनिए मैंने कहां पे फायर किया है और करंट कैसा डिस्कंटिन्यूस है, तो ई को लेके चलो भाई. तो आप बताओ मिनिमम अल्फा मिनिमम क्या होगा, अल्फा मिनिमम साइन इनवर्स वी ई बाय वी एम ऑब्वियसली इससे छोटा होगा 110 से, ठीक है. ठीक है ना, 110 पे फायर किया है तो चलो मैंने यहां पे मान लीजिए फायर कर दिया, तो दूसरे का फायर यहां पे होगा भाई, ठीक है. अभी आप सुनो तो वोल्टेज कैसी बनेगी वो जरा देखते हैं. आउटपुट वोल्टेज तो और करंट कैसा बनेगा, करंट आपको दे रखा है कहां तक है बताओ, यहां से 50 डिग्री आगे तक, ये पाई है, पाई मतलब तो 230 डिग्री तक आएगा. तो करंट मेरा यहां से स्टार्ट हुआ है और 230 डिग्री तक गया, ऐसा करंट हो, ठीक है भाई. समझ, और जो वोल्टेज होगी वो कैसी होगी फिर बताओ, यहां से लेके यहां तक क्या आएगी फिर, तो आउटपुट वोल्टेज बोलो पाई के बाद डिवाइड डी टू है जी, इस तरह का बनेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई. उसके बाद क्या होगा, इसके बाद ई आएगा, कहां तक आएगा जब तक ये अगले वाला नहीं होता, नहीं बोलो तो फिर से कैसा आएगा, फिर ये तो ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर आएगा भी, ये लीजिए समवट कुछ इस तरह का आएगा, ये भी कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है. अब सुनो मैं काम करता हूं, मैं इसके एवरेज वैल्यू निकालता हूं, वी नोट एवरेज कैसे निकाले बताओ जरा, कहां से कहां तक है, अल्फा से लेके मैं ये कह सकता हूँ, कहाँ पे रिपीट कर रहा है फिर सर नेगेटिव वोल्टेज में फ्री व्हील आएगी ना, फ्री व्हील करेगा पाई से उसके बीच में, हाँ हाँ फ्री व्हील करेगा, सॉरी ये फ्री व्हील करेगा भाई, सॉरी ठीक है सही कह रहे हो, फ्री व्हील करेगा भाई, सॉरी नेगेटिव वोल्टेज नहीं आएगी, बहुत बढ़िया. फ्री व्हील का ये डी वन डी टू देखो कंटिन्यूस नहीं है सर, तो यहां तक तो है पाई से 50 डिग्री आगे तक तो है, तो नेगेटिव वोल्टेज नहीं होगी, ये कंडक्ट करेगा इसके क्रॉस, आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव होगी तो ये फोर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है फ्री व्हील करेगा, बिल्कुल सही है. अब बोलिए भाई अगर मैं देखूं इसका पीरियड तो यहां से लेके अल्फा से लेके कहां तक है, पाई प्लस अल्फा, देखो ये पाई प्लस अल्फा और ये क्या है, ये पाई प्लस 150, पाई प्लस 50 डिग्री और ये पाई प्लस अल्फा, इसका मतलब पाई में 110 डिग्री और ऐड कर दो, ठीक है ये अल्फा रख लेगा पाई और ये अल्फा 110 आगे चलेंगे, करेक्ट है.
इस तरह की वेव फॉर्म आएगी। तो एवरेज वोल्टेज बता के आएगी, अगर मैं इंटीग्रेट करूं कहां से कहां तक, अल्फा कितना है बता दो, 110 डिग्री से 180 डिग्री तक, बताओ क्या बनेगी इक्वेशन, बनेगी वीएम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये बनी। फिर 180 से लेके पाई, 180 प्लस 230 तक क्या रहेगा, जीरो। और फिर क्या आएगा बता दो, फिर आएगा 230 से लेके कहां तक, 180 प्लस 110 बोलो ना कितना बताओ, 290 डिग्री तक क्या आएगा, ई आएगा, सही बात है बोलो भाई, यहां तक। और डिवाइड बाय क्या करोगे बताओ, डिवाइड बाय आएगा पाई, ये एवरेज वैल्यू है। पीरियड कितना है, पीरियड इसका पाई है भाई। ठीक है, तो आप बताओ क्या बना, इसको अगर मैं सोल्व करूं तो क्या बनेगा, ये वीएम को लिख लो 230 रूट 2 और साइन का क्या बनेगा, माइनस कोस, तो अपर लिमिट डालो तो ये तो 1 बन जाएगा, माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो क्या बनेगा, कोस 110। ठीक है जी, प्लस ई इंटू 290 माइनस 230, लेकिन क्या है ये तो डिग्री में है, बट मुझे ई के साथ ऑलवेज क्या चाहिए, रेडियन। तो देखो 290 माइनस 230 करोगे क्या बनेगा, कितना डिग्री बनेगा बताओ, 60 डिग्री। 60 डिग्री को क्या लिख लो रेडियन में, पाई बाय 3। और बाहर क्या है, 1 बाय पाई, पाई से ये पाई तो कट गया, तो एक तो बन गया ई बाय 3 प्लस एक क्या बनेगा, 230 रूट 2 बराबर डिवाइड बाय पाई इंटू 1 प्लस कोस 110। तो बताओ टोटल कितना आया, ई बाय 3 प्लस 60, दिस इज वी नॉट एवरेज, ये एवरेज है, दैट मस्ट बी इक्वल टू E प्लस आई नोट इंटू आर, दैट मस्ट बी इक्वल टू ई प्लस आई नोट इंटू आर। क्या करें, अब R की वैल्यू अपने को पता है 6 ओम, I नोट की वैल्यू अपने को पता है कितना है, I नोट 1.8 और R is 6, यहां से क्या आ जाएगा सबसे पहले, तो E, यहां से E आएगा सबसे पहले, बताओ कितना है, 85.9। और क्या पूछा था आपसे, है जी तो वी आउट ऑफ निकल जाएगा और एवरेज वैल्यू ई आ गया, तो आ गया सब कुछ। ठीक है भाई, समझ आया, तो सारे गेम वेवफॉर्म का था, अगर आपने वेवफॉर्म बना ली तो सब कुछ हो जाएगा। मतलब आपसे देखा, ऐसे क्वेश्चन में आप कुछ याद नहीं रख सकते हो, ठीक है ना, आपके कंसेप्ट आपके साथ होने चाहिए, आपकी वेवफॉर्म बनानी आनी चाहिए कि कौन सा कब कंटेक्ट करेगा, आपको ये पता होना चाहिए तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है।